छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देने की अधिसूचना जारी हो गई है। 1 अप्रैल से युवाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे और इसे 2023 के चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता पर मुहर, विधानसभा चुनावों में होगा कारगर। सरकार के ऐलान के बाद अब वो तारीख भी तय हो गई है जिस दिन से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके तहत पात्र युवाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार ने बजट में 250 करोड़ का प्रावधान भी रखा है। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जिसे अब 4 साल बाद पूरा किया गया है। कांग्रेस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है, मगर बीजेपी की नजर में इसके पीछे चुनावी इंटेंशन है। देखिए, ऐसा है कि मास्टर स्ट्रोक तो ये है कि पूरे देश के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश अगर कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है। ये मास्टर स्ट्रोक है। बेरोजगारी भत्ता तो उन हमारे साथियों के लिए है जो कहीं ना कहीं अभी रोजगार से नहीं जुड़ पाए, वो अपने सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी अपनी खुद की दे सके, उनको अपने जीवन यापन के लिए चलने के लिए परिवार पे आश्रित ना होना पड़े, उसके लिए उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अधिसूचना जारी होने से क्या होगा? अभी तो सर्वे होना, फार्म भरवाना, पूरे देश में 6 लाख मिनिमम आय वालों को गरीबी रेखा में माना गया, इन्होंने 2,30,000 कर दिया है। 250 करोड़ का प्रोविजन किया है। अगर 10 लाख लोग हैं तो उनको तो 1 महीने में भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो खाली ये बेरोजगारों को, नौजवानों को भुलावे में रखने का काम है। इसीलिए मैंने इस सरकार को तुगलकी सरकार, नटवर डाल की सरकार और शत्रुमुर्ग की सरकार कहा है। ये बात सच है कि इससे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सियासी गलियारों में इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मास्टर स्ट्रोक है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में 60% से ज्यादा युवा वोटर हैं। 3 लाख युवा वोटर पहली बार वोट करेंगे। युवा जिसके साथ रहेंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा। शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है कि युवाओं को खुश करने के लिए सरकार ने ये दांव चला है। देखिए, है तो बड़ी बात, और अगर मास्टर स्ट्रोक मान रही है तो मानना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी समस्या थी है और बड़े आरोप लग रहे थे, विपक्ष उनके ऊपर घेर रहा था बार बार। आप देखेंगे जब घोषणा पत्र में भी जो 2500 रुपये दिए जाने की बात की गई थी, वायदा किया था, उसमें शर्तें थी कि जब आप सामाजिक कार्य में संलग्न होंगे तब। वो शर्त इसमें नहीं है, ये नए ढंग से उन्होंने दिया है कि अब देंगे ही देंगे हम, और उसकी अधिसूचना जारी होना मतलब बेरोजगारों के लिए खुशी की बात। और आरोप जो लगते थे उसका जवाब एक प्रकार से उन्होंने दिया, तो निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। सियासत से इतर आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये बेरोजगारी भत्ता किस किस को मिलेगा। तो दरअसल इसके लिए राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है, उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए, परिवार की आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षित युवा बेरोजगार को 1 साल तक भत्ता मिलेगा। नौकरी नहीं मिलने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। 2 साल से ज्यादा अवधि तक किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी सरकार ने इसके लिए कुछ लक्ष्मण रेखा भी खींची है, ताकि ज्यादा भार भी ना पड़े और युवाओं को राहत भी मिल जाए और चुनाव में फायदा भी मिल जाए। छत्तीसगढ़ की भू पे सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होते ही 1 अप्रैल से सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 2500 रुपये मिलने लगेंगे। ऐसे में सत्ता पक्ष मानकर चल रहा है कि 2023 में ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, लेकिन एक्सपर्ट इसको ऐसी नजरिए से नहीं देखते। एक्सपर्ट कहते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 6 लाख रुपए तक की सालाना आय को गरीबी रेखा के अंतर्गत माना है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इस क्राइटेरिया को 2.5 लाख रुपए बना दिया है। विपक्ष भी इससे संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का कहना है कि आपने भत्ता देने की घोषणा कर दी, अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन सर्वे और बाकी कामों के मामले में ये पूरा मुद्दा अटकता हुआ दिखाई देगा।
देखना होगा कि युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता कब तक मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर तो ये है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.8% है, ये देश में सबसे कम है। ये सरकार के लिए बड़ी राहत है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1993 और 1998 के विधानसभा चुनाव के नतीजे कमोबेश एक जैसे थे। नतीजों में सिर्फ 1-2 सीटों का उलटफेर दिखा था।